हेलो स्टूडेंट, आई एम अद्भुत प्रकाश द्विवेदी। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी आपकी बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आप हमारे वीडियो शुरू से फंक्शन देख चुके होंगे, लिमिट देखा होगा, डिफरेंशिएशन भी देख चुके होंगे, इसके अलावा कंटिन्यूटी डिफरेंसबिलिटी भी देख चुके होंगे, यानी कि आप डिफरेंशियल कैलकुलस का एक अच्छा खासा पोर्शन कवर कर चुके हैं। अब डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि कोई भी एग्जाम आपका अछूता नहीं रहता है, मतलब कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता है जिसमें कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, वो होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि अपकलन के अनुप्रयोग। तो बच्चों, ये एक थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है जिसमें आपके पास एरर आती है, मतलब त्रुटि से रिलेटेड, अप्रॉक्सीमेशन एक टॉपिक आता है, एक टेंजेंट और नॉर्मल आता है, इसके अलावा आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आता है और मैक्सिमम मिनिमम आता है। तो बच्चों, आज ये आप एओडी का पहला वीडियो है जिसमें आपके साथ हम कुछ डिस्कस करेंगे एरर से रिलेटेड क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो जो आपको एओडी का मिलेगा उसमें आप पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और आफ्टर दैट जो थर्ड वीडियो आपको मिलेगा उसमें आप पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये वीडियो आपके शार्ट एक समराइज टाइप से, रिवीजन के टाइप से होंगे। बाकी आपको इन फ्यूचर डांग में भी वीडियो मिलते रहेंगे जिसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, मतलब कि आप अगर घर बैठकर पूरी पढ़ाई करना चाहें तो उसे भी आप इजली कर सकते हैं, आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बच्चों, इसमें अपने पास हम तीन, आज के वीडियो में तीन टॉपिक कवर करेंगे, एरर, अप्रॉक्सीमेशन एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल। वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखिए, एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल भी होनी है, ट्रिक के साथ भी होनी है। आपने डिफरेंशिएशन में ट्रिक का खूब इंजॉय किया होगा, लिमिट में आपने ट्रिक का खूब इंजॉय किया होगा, फंक्शन में आपको कॉन्सेप्ट बेहद आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। हो सकता है आपने फंक्शन तीन चार बार पढ़ा हो बट आप ना समझ पाए, बट आपने अगर हमारा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखा होगा तो ये आप बहुत ईजिली श्योर हो गए होंगे कि फंक्शन का क्वेश्चन तो बच्चों आपसे नहीं छूटेगा, चाहे और किसी का छूटे या ना छूटे। तो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एरर के कॉन्सेप्ट को। तो बच्चों, एरर जो होती है अपने पास, ये आपको पता होगी कि एरर अपने पास होती है तीन टाइप की। पहला टाइप होता है एब्सोल्यूट एरर, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज होती है बच्चों अपने पास रिलेटिव एरर, सापेक्ष त्रुटि, जिसको बच्चों हम लोग डेल्टा एक्स अपान एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड टाइप एरर इज नोन एज परसेंट एरर, यानी कि परसेंटेज एरर, इसमें होता है डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू हंड्रेड। अब बच्चों, हम लोग इस मैथ में जो हमें रिक्वायर्ड है वो मेन किसकी बात है, परसेंटेज एरर की। तो बच्चों, एक चीज आप समझने की, पहली चीज तो आपके पास कभी अगर ऐसा आ जाए एरर इन एक्स की पावर ए वाई की पावर बी डिवाइडेड बाई जेड की पावर सी डब्लू की पावर डी, अगर एरर आ जाए परसेंटेज एरर एक तरीके से, तो बच्चों आप क्या करेंगे, लिखेंगे ए इंटू परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस बी इंटू परसेंटेज एरर इन वाई। बच्चों ध्यान दीजिए, परसेंटेज एरर जैसे लिखा है तो ये, और अगर यहां पर कहीं मैक्सिमम परसेंटेज एरर यूज होता, दो तरीके होते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, माइनस सी इंटू परसेंटेज एरर इन जेड माइनस डी इंटू परसेंटेज एरर इन डब्लू। और बच्चों, जब मैक्सिमम की बात आ जाएगी तो यहां पर जो साइन है ये सब किसके हो जाएंगे, प्लस के।
तो ये चीज आप समझ लीजिए, जब आपके पास सिंपल है तो नीचे वाले माइनस और मैक्सिमम की बात होगी तो प्लस। हमें जो जरूरत है मैथ में वो किसकी जरूरत होगी, प्लस की, यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज। अगर परसेंटेज भी लिखा है तब भी आप किसको यूज कर लेंगे, प्लस को। मैक्सिमम परसेंटेज के लिए रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों पहले इस कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपने पास अप्रॉक्सीमेशन है उसको देखते हैं। बच्चों एक चीज हम आपको बहुत क्लियर कर दें, एरर और अप्रॉक्सीमेशन से एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है, मतलब आने के चांस बहुत कम है। टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन आ सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आएगा, बट एरर और ये आपके पास अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन आपके पास आने के चांस कम है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो पहला जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, हम रीड करते हैं, आफ्टर दैट हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपके पास है, इफ देयर इज एन एरर ऑफ 2% इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम देन परसेंटेज एरर इन इट्स पीरियड। यानी कि ये कह रहा है कि जो पेंडुलम होता है जिसको आप फिजिक्स में पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, उसकी लंबाई को मापने में 2% की त्रुटि आती है तो उसके आवर्तकार या आवर्तनांक को मापन में कितनी त्रुटि आएगी। तो बच्चों पहले तो आपको टाइम पीरियड का फार्मूला पता होना चाहिए, 2π√n/, जी त्रुटि किसमें आ रही है, n में, यानी कि 2π/√g तो हो गया कांस्टेंट और ये हो गया n की पावर हाफ। अब आपकी जो परसेंटेज एरर इन टी होगा बच्चों, इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, आप सीधे लिखेंगे 1/2 × परसेंटेज एरर इन n। तो बच्चों 1/2 और n में परसेंटेज एरर कितनी है, 2। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, 1%, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर इज एन एरर ऑफ 1% इन मेजरिंग द एज ऑफ अ क्यूब, क्यूब का हिंदी होता है घन और एज का मतलब है भुजा, यानी कि घन की भुजा के मापन में अगर त्रुटि कितनी आ रही बच्चों, 1%, देन इट्स सरफेस। अच्छा टोटल क्यूब का जो एरिया होता है बच्चों, सरफेस की बात करें तो 6a². तो एरर इन ए, फिर से बच्चों वही बात करेंगे, परसेंटेज एरर की बात है, जैसे कांस्टेंट का कोई इन्वायरमेंट नहीं होता है, जो पावर होगी वो इनटू में आ जाएगी, इनटू परसेंटेज एरर इन ए। बच्चों ए की परसेंटेज एरर आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो यहां पर कितनी गिवन है, 1% ही है, यानी कि 2 × 1%। तो इस टाइप से आंसर बना आपका 2a%, यानी कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या है इसमें, इफ एन एरर आपके परसेंट इज मेड इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, यानी कि परसेंटेज एरर इन रेडियस इक्वल बच्चों कितना है, के परसेंट, देन द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। बच्चों आपको पता है स्फीयर जिसको हम लोग गोला बोलते हैं, गोले का आयतन या वॉल्यूम आप स्फीयर v बराबर होता है बच्चों 4/3 πr³। आपने 10th में पढ़ा होगा मेंसुरेशन टॉपिक में v = 4/3 πr³। फिर हम वही बोलेंगे एरर मेजरमेंट में कांस्टेंट का कोई भी यूज नहीं होता है, यानी कि परसेंटेज एरर इन v बराबर 3 × परसेंटेज एरर इन r। बच्चों R में परसेंटेज एरर आपको K पता है, तो इस टाइप से फाइनल आंसर जाएगा 3K%, यानी कि बी ऑप्शन। तो यानी कि एरर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप इजनी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। अब बच्चों एरर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया कि इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 3 कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वन एरर एंड सेकेंड वन अप्रॉक्सीमेशन एंड थर्ड वन टेंजेंट एंड नॉर्मल। वी मूव टूवर्ड्स द एरर।
सॉरी अप्रॉक्सीमेशन। तो अप्रॉक्सीमेशन में बच्चों क्या होता है, आपको कोई एक फंक्शन गिवन होगा। पहली चीज तो जैसे आपको हम इस एग्जांपल का यूज करते हुए चले, जैसे यहां 33 की पावर 1/5 दिया, तो आपसे कुछ वैल्यू पूछी जाएगी। आप क्या करेंगे, जैसे 33 के आसपास कोई ऐसी वैल्यू जिसकी 1/5 पावर आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपके माइंड में तुरंत आएगा कि एक वैल्यू होती है 32, जिसको हम लोग 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अगर उसकी वैल्यू हम लोग 1/5 निकालें तो हम लोग इजली 2 फाइंड कर सकते हैं। तो वो वैल्यू जिसकी आप वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं उसको हम लोग मान लेंगे एक्स, यानी कि एक्स इक्वल बच्चों कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में, 32। और दूसरी चीज होगी डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होगा कि जो गिवन डेटा है उसमें से जब एक्स को आप सबट्रैक्ट कर देंगे तो बच्चों कितना मिलेगा, 1। अब आप एक काम करेंगे, लिखेंगे वाई बराबर, जो भी पावर दी होगी वो वैसी ही रखेंगे और वैल्यू की जगह यूज कर देंगे किसको, एक्स को। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जो आपसे पूछा जा रहा है, यहां पर पावर 1/5 थी तो पावर में हमने 1/5 लिखा और वैल्यू की जगह किसको यूज किया, एक्स को। अगर पावर में रूट होता मतलब कि पावर 1/2 होती तो हम लोग 1/2 करते, पावर 1/4 होती तो हम लोग 1/4 करते। जो पावर गिवन होगा आप उसी को सिंपल यूज करोगे। अब बच्चों इसके बाद आप dy by dx फाइंड करेंगे, जो आप बेहद आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 1/5 x^-4/5। फिर आप एक फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा y बराबर dy ओवर dx, और इस dy ओवर dx में जो x आपने माना है उसको आप रख देंगे, यानी कि x बराबर 32 इंटू डेल्टा x। तो चलिए बच्चों वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 1/5 32 की पावर -4/5, ये x की जगह 32 रखने पर, और डेल्टा x की वैल्यू आपके पास है 1। तो बच्चों इस टाइप से आपको मिलेगा 1/5 × 2 की पावर 5 की होल पावर -4/5 × 1। तो बच्चों जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 1/5 × 5 से 5 कैंसिल, ये पावर जब नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी, × 1, यानी कि इस टाइप से आपको मिला 1/80। सिंप्लीफाई करने पर ये मिलेगा 0.0125। तो पहली चीज बच्चों समझिए, जो गिवन फंक्शन होगा वहां पर वैल्यू जो होगी वहां पर एक्स, पावर जो होगी वो वैसी रखेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन आफ्टर दैट dy इक्वल टू dy ओवर dx × dx फाइंड करेंगे, तो इस टाइप से आपको डेल्टा वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप सिंपल सा एक काम करेंगे, जो भी आपसे पूछा जा रहा था फिफ्थ पावर आप 33, तो आप पहले तो जो आपने माना था एक्स की वैल्यू जिसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी फिफ्थ पावर प्लस डेल्टा वाई। तो बच्चों 32 की फिफ्थ पावर आ रही थी अपने 1/5 पावर आ रही थी अपने पास 2, और डेल्टा वाई की वैल्यू थी अपने पास 0.0125। तो इस टाइप से आपका करेक्ट आंसर बनेगा 2.0125, यानी कि ऑप्शन जो सही होगा बच्चों वो क्या सही होगा, ए ऑप्शन। तो उम्मीद है कि आप अप्रॉक्सीमेशन का भी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। वैसे फिर से हम आपसे कहेंगे अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड कंपटीशन में क्वेश्चन आए इसके चांस बेहद कम, बहुत ही कम। तो अब हम लोग एओडी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंजेंट और नॉर्मल की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों टेंजेंट नॉर्मल में क्या होता है, पहले तो आप कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर हम लोग जो क्वेश्चन लिया उस पर डिस्कस करें। स्लोप ऑफ टेंजेंट @x1, y1 = dy/dx, और
फाइंड करने के बाद आप उसमें उस पॉइंट की वैल्यू को पुट कर देंगे, वो अपने पास क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हिंदी में अगर लिखने की बात करें तो बिंदु एक्स वन कामा वाई वन पर स्पर्शी की प्रवणता। तो बच्चों पहली चीज तो आप ये नोट कर लें, जब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में पता चल गया, अब अगर हम डिस्कस करें स्लोप ऑफ नॉर्मल, एट एक्स वन कामा वाई वन यानी कि बिंदु एक्स वन कामा वाई वन पर अभिलंब की प्रवणता। तो बच्चों आपको पता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो पहले का स्लोप इंटू दूसरे का स्लोप बराबर माइनस वन होता है, तो जाहिर सी बात नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो होगा माइनस वन अपान डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट एक्स वन कामा वाई वन। तो बच्चों ये हो गया आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो पहले तो ये दो पॉइंट आप कहीं पर नोट कर लें। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो इक्वेशन होती हैं उस पर आते हैं, तो पहले हम इसको इरेज करते हैं। तो जो पहली चीज आप नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वन कामा वाई वन, एट पॉइंट एक्स वन कामा वाई वन मतलब कि बिंदु एक्स वन कामा वाई वन पर स्पर्शी की का समीकरण। और बच्चों इस वर्ड का ध्यान देना एट, एक वर्ड और भी यूज होता है फ्रॉम, तो फ्रॉम के लिए ये फार्मूला नहीं लगेगा। एट का मतलब होता है कि वो पॉइंट टेंजेंट पर भी होगा और कर्व पर भी होगा। फ्रॉम का मतलब है वो पॉइंट टेंजेंट पर तो होगा बट कर्व पर नहीं होगा, मतलब कि टेंजेंट उस बिंदु से गुजरेगी। तो चलिए बच्चों क्या होगा फार्मूला, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप आप फाइंड ही कर लिए थे डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन कामा वाई वन इन द ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन। इसी टाइप से अब हम लोग देखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एक्स वन कामा वाई वन, तो इसमें बच्चों होगा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपान डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन कामा वाई वन इन द ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन। तो बच्चों ये दो पॉइंट भी आप अपने पास नोट कर लें। अब बच्चों कुछ चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर आपके पास टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो कंडीशन क्या होगी। टेंजेंट अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो कंडीशन क्या होगी। तो जब आपने ये पॉइंट चार पॉइंट नोट कर लिए तो नेक्स्ट आप पॉइंट में नोट कर सकते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट किसके समांतर है, एक्स एक्सिस को। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के समांतर होगी तो स्पर्शी का मतलब टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ बनाएंगे कितना होगा, जीरो, और एम इक्वल होता है टेन थीटा, और जब थीटा जीरो तो एम की वैल्यू जीरो, यानी कि कंडीशन आएगी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो। सेम चीज जब आपसे बोला जाता है टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, या इसी को हम लोग बोल सकते थे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब अगर इस टाइप की बात है तो आप क्या करेंगे, डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल जीरो, या फिर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल इन्फिनिटी। तो बच्चों इन पॉइंट को भी आप याद रखें, कभी कभी किसी एग्जाम में डायरेक्ट भी पॉइंट पूछ दिया जाता। अब हम लोग जब आप टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं
तो हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है आपके पास द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, यानी कि बच्चों किसकी इक्वेशन बतानी, नॉर्मल, नॉर्मल का हिंदी अभिनम, अभिनम की इक्वेशन बतानी है टू द कर्व y इक्वल टू x। तो पहले तो आप कर्व देखें, y इक्वल x इन द ब्रैकेट 2 माइनस x, यानी कि 2x माइनस x स्क्वायर। अब बच्चों जब आपको कर्व पता चल गया और उसने लिखा 8 द पॉइंट 2,0, तो चलिए फिर जब कर्व पता चल गया तो हम लोग डिफरेंशिएशन भी पता कर लेते। डिफरेंशिएशन आएगा 2 माइनस 2x। अब जब इतना पता चल चुका है तो हम लोग डेरिवेटिव की वैल्यू भी पता कर लेते हैं, किस पर, गिवन पॉइंट पर। और पॉइंट बच्चों क्या गिवन है अपने को, 2,0। तो अच्छा जब आप 2,0 रखेंगे तो 2,0 यानी कि आप इसमें रखें तो ये आपको मिलेगा 2 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि आपके पास आएगा माइनस का 2। अब बच्चों ये जो dy ओवर dx की वैल्यू निकल कर आई है, बट अपने को जरूरत है नॉर्मल के लिए, तो यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx। तो अच्छा इसकी वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन माइनस 2, यानी कि 1/2। जब इतना आपको पता ही चल चुका है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस वाई वन इक्वल स्लोप जो आया आपके पास, तो हम लिख देते हैं इसे माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx इन द ब्रैकेट x माइनस x1। y माइनस y1 बच्चों कितना है अपने पास, 0। स्लोप आपने निकाला है माइनस का 2, सॉरी स्लोप आपके पास आया है 1/2 इंटू एक्स माइनस का बच्चों कितना, इसकी वैल्यू आपके पास है 2। तो ये आया 2y इक्वल एक्स माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स माइनस 2y इक्वल टू, देखिए बच्चों कोई ऑप्शन है क्या, तो आपको ऑप्शन मिलेगा ए। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो बच्चों क्या है, ए ऑप्शन। अब हम लोग टेंजेंट नॉर्मल का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अपने पास है द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब कर्व पर उस बिंदु का, बिंदु के कोऑर्डिनेट बताने, और कर्व है अपने पास y इक्वल टू 12x माइनस x स्क्वायर, वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0, मतलब कि स्पर्शी का प्रवणता कितना है बच्चों, 0। तो अपने आपको बताया था स्पर्शी की प्रवणता होती dy ओवर dx, वो निकल कर आएगी 1 माइनस 2x और दिस इक्वल 0, यानी कि x इक्वल 6। और बच्चों जब x की वैल्यू यहां रखेंगे तो y इक्वल टू 12 इंटू 6 माइनस 6 का स्क्वायर 72 माइनस 36 बराबर 36। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 6,36। तो करेक्ट ऑप्शन इज द डी। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द कर्व ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 7 और दूसरा कर्व आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, कट्स ऑर्थोगोनली। बेटा ऑर्थोगोनली का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझे कि जिस पॉइंट पर कट करेंगे उस पॉइंट पर टेंजेंट्स कैसी होंगी, परपेंडिकुलर, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यानी कि आप क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन करें फर्स्ट वाले का, ए डीवाई ओवर डीएक्स प्लस 2x इक्वल 0। तो बच्चों यहां से डीवाई ओवर डीएक्स आप पता करेंगे माइनस का 2x अपॉन ए। अब जब हम लोग सेकेंड वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू डीवाई ओवर डीएक्स।
अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैसे ऑर्थोगोनली यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल टू बच्चों कितना -1, पहले का स्लोप है माइनस का 2x अपान ए, दूसरे का स्लोप है बच्चों कितना 3x स्क्वायर बराबर कितना -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इस टाइप से आपको मिलेगा यहां पर 6x^3 बराबर ए। अब बच्चों उसने आपको पॉइंट दिया था, पॉइंट क्या दिया था a1, 1, तो जब 1, 1 की बात है तो यहां से आप देखें 6 × 1 = a यानी कि a की वैल्यू बच्चों कितनी निकल कर आएगी 6। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग और भी आसान तरीके से कर सकते थे, वो कैसे कर सकते थे, देखिए बच्चों उसने बोला कट एट दिस, यानी कि ये जो पॉइंट है ये दोनों कर पंडाई करें, आप देखें अगर आप यहां पर रखते हैं तो इसको सेटिस्फाइज भी कर, तो फर्स्ट को भी सेटिस्फाइज करना चाहिए, यानी कि a इंटू 1 + 1 = 7 यानी कि a = 6। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x = 3t² + 1, तो बच्चों यहां से आप निकाल सकते हैं dx/dt यानी कि 6t, और y = t^3 - 1 यानी कि यहां से आप निकाल सकते हैं dy/dt जो निकल कर आएगा 3t². अब टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx, तो ये बच्चों आपके पास आएगा 3t² / 6t, ये आपसे कैंसिल, ये हो गया आपके पास t/2। अब देखिए बच्चों उसने एक क्वेश्चन में हमें दिया है कि x = 1 यानी कि x की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, और x आपके पास है कितना 3t² + 1 = 1, तो यहां से बच्चों आप देखें तो t की वैल्यू निकल कर आएगी 0, तो t की वैल्यू को जब यहां पुट करेंगे तो m = बच्चों कितना आएगा 0/2 यानी कि 0, यानी कि टेंजेंट का स्लोप बच्चों कितना निकल कर आ रहा है 0, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज द बी। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पर्पस, एनी टेंजेंट टू द कर्व y = 2x^7 + 3x + 5, तो बच्चों देखें जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx तो ये निकल कर आएगा 14x^6 + 3। अब देखें बच्चों यहां पर आप x की कोई भी वैल्यू रखें, ये वैल्यू क्या होगी 0 या 0 से बड़ी, जब उसमें 14 का प्रोडक्ट होगा तो 0 या 0 से बड़ी, प्लस 3 होगा तो ये वैल्यू ओवरऑल 3 या 3 से बड़ी आएगी, इसका मतलब dy/dx एक कैसी वैल्यू होगी पॉजिटिव वैल्यू, और यही होता है m, और यही होता है m tan थीटा, तो बच्चों ये आप भी जानते होंगे tan थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो जाहिर सी बात 0 से 90 तक tan थीटा की वैल्यू कैसे होती है पॉजिटिव, 90 से 180 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे होती है निगेटिव, यानी कि जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वो जो एंगल बना रही होगी वो कैसा बना रही होगी 0 से 90 के बीच में, और इस टाइप के एंगल को हम लोग बोलते हैं अक्यूट एंगल या हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होगा, मेक एन अक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको टिक कर लें, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमने लिया हुआ यहां पर तो बच्चों क्वेश्चन है अपने पास कि लाइन y = mx + 1
इज अ टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। देखिए बच्चों, हम लोग इसको टेंजेंट नॉर्मल के थ्रू भी कर सकते हैं, बट अगर आप कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट में पैराबोला, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है फाइनली, कोऑर्डिनेट में पैराबोला के केस में आपने एक टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ी थी, वो इक्वेशन क्या होती थी आप ध्यान से देखें। तो जब पैराबोला अपने पास यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स दिया, और अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स होता है तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है बच्चों कितनी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपान एम। तो आप देखें यहां पर आपके पास a की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि डायरेक्ट 4 दिया यानी कि a 1, m आपको m दिया हुआ है, तो इस टाइप से आप जब मैच कराएंगे अगर इसको और इसको, तो आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि a डिवाइडेड बाई m की वैल्यू कितनी आनी है 1, और a आपने यहां से पता कर लिया है 1 डिवाइडेड बाई m बच्चों कितना हो जाएगा 1, तो इस टाइप से आंसर आ जाएगा m इक्वल टू 1। तो ये तो हम लोग कोऑर्डिनेट के थ्रू कर लेंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, एरर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, अप्रॉक्सीमेशन भी क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों वीडियो को आपने देखा, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, जो सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से पुट कर सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो वो भी आपका डाउट कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।